नर्मदा तट पर 2 दिवसीय भूदड़ी अमावस्या मेला चल रहा है, जहां विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु और अपने पितरों का तर्पण और उनकी शांति के लिए पूजा पाठ करने आते हैं। देवास के नेमावार के नर्मदा तट पर सर्व पितृ भूदड़ी अमावस्या महापर्व का मेला चल रहा है। अमावस्या पर्व पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य प्रदेशों से लोग नर्मदा के नभी तीर्थ में अपने पितरों का तर्पण करने और अपनी कुल देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस वर्ष पर्व स्नान के लिए 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह से परेशानी ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था जुटाई गई है। जैसा कि विदित विदित है कि सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या का पर्व है कल, और उस हिसाब से नेमावर घाट, चाहे धाराजी घाट हो और फतेहगढ़ घाट हो, नर्मदा जी के किनारे विभिन्न घाटों पर इस अमावस्या का काफी महत्व होता है और काफी लोग स्नान करने आते हैं, पूजा पाठ ले आते हैं और बहुत बड़ी पब्लिक की गैदरिंग होती है यहाँ पर। उसी व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, जो कि मंदिर व्यवस्था, नदी के अंदर की व्यवस्था, घाट व्यवस्था और साथ ही साथ मार्ग व्यवस्था, इन विभिन्न मार्ग व्यवस्था और अलग तरह की व्यवस्थाओं में लगभग हमारा 300 से 350 का फोर्स लगा है और अभी उनको ड्यूटी के लिए ब्रीफ करके पॉइंट पे लगाया गया है। यहाँ पे मैं भी लगातार 3 साल से आ रहा हूँ। यहाँ नर्मदा माई से स्नान करने से पूर्वजों को जो है वो आड़ काट से मिट जाती है और यहाँ पे दर्शन हो जाता है उनका। भारी श्रद्धालुओं की भीड़ मिलती है। बड़ी 6 महीने में 1 साल में जो ये आती है अपने कुंवर महीने की अमावस्या, ये बड़ी अमावस्या में बहुत भारी भीड़ दिखती है और यहाँ स्नान करने से बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है। भूतड़ी अमावस्या को लेकर स्नान वाले घाटों पर स्नान के समय घटना दुर्घटना से बचाव हेतु नावों और तैराक दल के साथ रखा गया है। घाटों पर निरंतर सुरक्षा व्यवस्था की सूचना व्यवस्था की गई है। मुख्य भीड़ वाले स्थानों घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जा रही है। गहरे पानी में श्रद्धालु न पहुंचे, इसके लिए पानी के अंदर बैरिकेड कर घाटों को स्नान के लिए सुरक्षित किया गया है। मैं इस समय खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर के सिद्धनाथ घाट पर। भूतड़ी अमावस्या महापर्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा जहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, वहीं नगर पंचायत द्वारा घाटों की विशेष सफाई की गई है। श्रद्धालुओं का एक दिन पहले ही नर्मदा के नेमावर के नर्मदा घाटों पर पहुंचना प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और अन्य प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नेमावर पहुंचते हैं और मां नर्मदा में पूजा अर्चना कर मान मन्नत पूरी करते हैं। कहा जाता है कि मां नर्मदा से जो भी मान मन्नत की जाती है वो मां पूरी करती है। भूतड़ी अमावस्या की रात को नेमावर के इसी नर्मदा तट पर भूतों का मेला भराता है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रेत आत्माओं से ग्रसित लोगों को यहां पर लाया जाता है। तंत्र मंत्र विद्या और ओझाओं के माध्यम से उनकी हाजिरी भरी जाती है और उन्हें प्रेत आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए कई प्रकार के जतन किए जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी से तंत्र मंत्र की विद्याएं नेमावर के नर्मदा घाट पर शुरू हो चुकी है। आप देख लीजिए, ये इस प्रकार की रात भर तंत्र विद्याएं चलती है, जिसमें यहाँ पर विचित्र विचित्र प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ दखल न्यूज के लिए नेमावर के नर्मदा घाट से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।